हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपी सिंह। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो मॉडल पेपर पर आधारित होगा। जो विद्यार्थी 2022 में एग्जाम देने वाले होंगे इंटर का, जिनका विषय बायोलॉजी होगा, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला होता है। आइए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मानव मादा के भ्रूण में किस अवधि के लिए कौन सा सही कथन है। मानव जो मादा होता है ना, उसके भ्रूण में किस अवधि के लिए कौन सा कथन सही है। तो ए नंबर में दिया है होलोब्लास्टिक एवं समान, बी में दिया है मेरोब्लास्टिक, सी में दिया है होलोब्लास्टिक, डी में दिया है डिप्लोब्लास्टिक। तो इसका आपका सही आंसर जाएगा ए। ठीक है, इसका सही आंसर जाएगा ए, होलोब्लास्टिक एवं समान। ठीक है, ये भ्रूण का अवधि के लिए सही है। ये दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में मासिक चक्र अवधि के लिए कौन सा सही कथन है। मासिक चक्र जो अवधि होता है, किस अवधि में होता है। तो जो इंडोमेटेरियम जो होता है ना, यूट्रस का जो सबसे अंदर वाला लेयर, जो यूट्रस होता है उसके सबसे अंदर वाला लेयर होता है इंडोमेटेरियम। ठीक है, उसका पूर्ण निर्माण हो जाता है ना उसके 5 से 10वें दिन के बाद, मतलब अवधि रहता है मासिक चक्र का, मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा आपका बी। दो का आंसर क्या जाएगा, बी जाएगा। ठीक है, तो आइए तीन नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मानव में किस तरह का प्लेसेंटा पाया जाता है। प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा किस तरह का अपरा पाया जाता है, किस तरह का। क्रोनिक, हीमोकोरियल, मेटाडिस्कोइडल और इनमें से सभी। तो आपका इसका आंसर जाएगा, क्रोनिक भी पाया जाता है, हीमोकोरियल और मेटाडिस्कोइडल भी पाया जाता है। तो आपका आंसर जाएगा डी। ठीक है, तीन का आंसर जाएगा डी। आइए चार नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सर्टोली सेल्स का नियंत्रण पिट्यूटरी के किस हार्मोन द्वारा होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के किस हार्मोन के द्वारा होता है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा होता है। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा होता है। तो इसका आंसर जाएगा आपका सी। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा होता है। आइए पाँच नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है। किसकी, जो मान लेते हैं सोडियम है, पोटेशियम, कैल्शियम, लो आयरन है, तो इसमें किस चीज़ का अनुपस्थिति रहेगी तो निषेचन नहीं होगा, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं। जो कैल्शियम हो जाता है ना, कैल्शियम की मात्रा हमारे शरीर में जब घट जाता है, ठीक है, तो कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम की मात्रा हमारे शरीर में जब घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है, तो क्या होता है, निषेचन, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो मेरा आंसर जाएगा सही आंसर, पाँच का सी जाएगा। आइए छः नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जन्म के बाद माता के से प्रथम दुग्ध श्रवण को क्लस्ट्रम कहते हैं। इसमें निहित रहता है कौन, निहित रहता है तो आपका जो इम्यूनोग्लोबुलिन ए पाया जाता है। ठीक है, IgA कहा जाता है उसको, इम्यूनिटी ए पाया जाता है। तो इसका आंसर जाएगा छः का ए। ये सात नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मेंस्ट्रुएशन का तत्काल कारण किस हार्मोन की वापसी के द्वारा होता है। ठीक है, जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो रिलीज होता है, तो क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन का तत्काल कारण होता है। तो आंसर जाएगा सात का सी। ये आठ नंबर क्वेश्चन कह रहा है एस्ट्रोजन का श्रवण किस में होता है। एस्ट्रोजन का श्रवण जो होता है, कॉपर लुटियम में नहीं, मेम्ब्रेन में नहीं, ओवरियन ग्लैंड नहीं, पिट्यूटरी ग्रंथि में होता है। तो आपका आठ का आंसर जाएगा डी। तो इसका आंसर जाएगा डी। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।